सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। क्या कुछ है इस अपडेट, इस खबर में लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अगर आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को भी लगातार जोर आजमाइश का दौर जारी है। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, मिडडे प्राइम लेकर हाजिर हूं आपके लिए। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। आपको बता दें कि अगले एक घंटे में बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद सफल दौरे की, साथ ही साथ इस वक्त की जो बड़ी खबर है उस पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लगा झटका, याचिका को किया खारिज। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित मूडा घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को दी थी चुनौती। अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की से हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर कल होगा मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। हरियाणा में नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के चुनाव प्रचार में तेजी। कांग्रेस में भी हुडा खेमे और कुमारी शैलजा में सुलह की खबरें। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली हमलों में करीब 500 लोगों की मौत। जवाबी हमले के बाद इजरायल ने 30 सितंबर तक लगाई इमरजेंसी। संयुक्त राष्ट्र ने ताजा हालात पर जताई चिंता। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित मूडा घोटाले में जांच के लिए राज्यपाल की अनुमति को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना की एकल सदस्यीय पीठ ने मूडा घोटाले की जांच की आवश्यक उसे बताया है आवश्यक। इसमें कहा गया कि राज्यपाल द्वारा दी गई अनुमति सही है। इस संदर्भ में पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा दी गई जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लगा यहां पर झटका। अदालत ने कहा कि राज्यपाल द्वारा दी गई अनुमति सही है। इट अपियर्स दैट इट इज एग्जॉस्टिव एंड आफ्टर इट हैविंग ड्यूली कंसीडर्ड न्यूमरस जजमेंट्स ऑफ द वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एज वेल एज द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट द जजमेंट हैज बीन रेंडर्ड। So that being the case, our preparation would be pretty much the same. See, appeal is the right of the petitioner, okay? That would be available to the Honorable Chief Minister. We cannot deny the right of appeal. But our preparation would pretty much be the same since the authorities relied upon by us are appreciated and are duly observed in the judgment which is rendered, which probably would be available in a couple of hours. We would try to obtain the certified copy. तो बड़ा झटका यहां पर सिद्धारमैया को। शुभा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता। शुभा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, एक बार फिर यहां पर दर्शकों को हम बता दें कि एक बड़ा मामला जिसने बहुत तूल पकड़ी और यहां पर विभिन्न विपक्षी दलों के साथ साथ जो जनता का गुस्सा था वो भी साफ तौर पर इस मामले में बहुत खुलकर सामने आया सड़कों पर। इस वक्त अगर हम सबसे पहले जानना चाहें अदालत ने क्या कुछ कहा सिद्धारमैया के पूरे मामले पर। कर्नाटका में कई दिनों से हम देख रहे हैं कर्नाटका के कांग्रेस सरकार के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कई अनेक अपराध प्रकरण को हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं मूढ़ा घोटला एक ऐसा घोटला है जिन्होंने अपने धर्मपत्नी के नाम से 3 एकड़ भूमि के अलावा इन्होंने 14 साइट्स को अलॉटमेंट किया था। जो इन्होंने बताया इनके सारे परिवार, सिद्धारमैया के जो सारे परिवार थे, ये सारे परिवार इस घोटले में शामिल थे।
इसको लेकर जनता ने प्रश्न किया और बीजेपी वालों ने प्रतिभटन भी आयोजन किया, जिसको प्रश्न करते हुए सारे कर्नाटक में ये फैसला लिया था कि सिद्धरामैया ने अपने परिवार के लिए जिन्होंने घोटला किए थे, लेकिन स्वयं सिद्धरामैया ने बताया घोटलों में जो जिन्होंने 3 एकड़ भूमि के लिए 14 अलॉटमेंट किया था, जो लोग बता रहे वो तो कम है, इसके अलावा घोटला हुआ है लेकिन जिसको सारे अमाउंट आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। इस सारे प्रश्न आंसर को हम देख सकते तो सिद्धरामैया ने स्वयं इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, जिसके चलते बीजेपी वालों ने प्रतिभटन किया, मैसूर चलो का आयोजन भी किया और कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी को ने कहा था कि सीएम सिद्धरामैया के सामने जो प्रश्न है इसके लिए विचारण तो होना चाहिए और सीएम से उत्तर लेने के लिए इन्होंने विचारण का कोशिश की, लेकिन सीएम ने रिट अर्जी को बताया था जिन्होंने राज्यपाल सहित कर्नाटका के लोगों ने और कर्नाटका के बीजेपी ने उनके साथ इन्होंने अन्याय कर रहे जैसे सीएम को बोलना था, लेकिन अब कर्नाटका के उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्न के एक सदस्य जो पीठ में जिन्होंने कहा है कर्नाटका के सीएम जिन्होंने घोटला किया है इसके साथ। बिल्कुल शुभा, आपको इसमें रोकना चाहेंगे, डीके शिवकुमार इस समय कुछ क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। जी शुभा, शुभा आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो क्या है मुडा भूमि घोटाला, इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और कई पक्षों ने इसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया और यहां पर आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ ऐसा दावा किया गया। साथ ही जिस तरह से उनकी पत्नी को प्रीमियम जगहों पर जो जमीन अलॉट की गई उसको लेकर भी यहाँ पर पूरा जांच के घेरे में है ये पूरा जो मामला है। सिद्धरामैया की पत्नी को मैसूर में 14 प्रीमियम साइटों का गैर कानूनी आवंटन यहाँ पर किया गया। शुभा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभा, ऋषिव कुमार भी मीडिया को इस वक्त बात कर रहे थे मीडिया से, कांग्रेस में जिस तरह की रिफ्ट है, जो तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं उस बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम आज की बात करें, एक बड़ा झटका यहाँ पर हाईकोर्ट से। शुभा आपको मेरी आवाज मिल रही है? यहाँ पर पहले भी सिद्धरामैया ने कहा था कि वो जा सकते हैं अगले ऊंची अदालत में। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्न के एक सदस्य पीठ में जिन्होंने कहा है सिद्धरामैया के ऊपर जो घोटाला के प्रकरण है जिसके जांच के लिए इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है और कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी भी पहले से ही कहा था जिन्होंने जो घोटाला किया है इसके चलते इनका जांच करने के लिए अभी आवश्यक है, लेकिन कर्नाटका के सीएम ने इसको अपोजिट करते हुए बीजेपी वालों ने और राज्यपालों ने इसका अपोजिट किया इन्होंने कहा था, लेकिन अब कर्नाटका के न्यायमूर्ति ने भी कहा है और उच्च न्यायालय से अर्जी भी आया है जिसके जिसने घोटाला में है उसका सभी जांच करेंगे और विचारण के बाद सच सामने आएंगे और कर्नाटका के जनता के सामने जो सीएम ने घोटाला किया है इसके सारे उत्तर हम ले सकते हैं अभी। बिल्कुल, तो सिद्धरामैया की पत्नी को मैसूर में 14 प्रीमियम साइटों का गैरकानूनी आवंटन यहां पर किया गया। शुभा, यहां पर हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका यहां पर लगा है सिद्धरामैया को। ये भी इस खबर आ रही थी इस हवाले के बीच कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सिद्धरामैया ने पहले से कहा था कि जो उनको उनके सामने जो विचारण होगे और उनके सामने जो जांच होगे उसके लिए सारे तैयार है, लेकिन सिद्धरामैया ने पहले भी कहा था कि घोटाला तो हुआ है लेकिन जैसे लोगों ने कहा है इसके सारे घोटाला नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा सा घोटाला हुआ है, सच तो सामने आ गया था लेकिन इनका विचारण अभी चल रहा था, अभी न्यायमूर्ति के सामने ही सारे विचारण होंगे और कर्नाटका के सीएम ने जो घोटाला किया है उसके सारे प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए शुभा। तो यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जो जमीन आवंटन का जो घोटाला है वो खुलकर काफी समय से उस पर रोष जारी था, लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सिद्धरामैया पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी और ना सिर्फ सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और उनके जो और भी उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इस जांच के दायरे में यहां पर आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। यहां पर आपको बता दें कि बात करेंगे प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो गया है। विदेश मंत्रालय ने उनकी इस 3 दिन की यात्रा को बेहद सफल बताया है। अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद पीएम मोदी आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम पीएम दिल्ली लौट आएंगे। न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। 21 से 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका में बेहद व्यस्त कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की। 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात रही। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सराहा। There have been earlier as well questions about these specifics. There are obviously discussions going on in multiple forums around the world. You have various processes that are underway, various formats that we have seen. And we've been involved in some of those where the idea has been to try and see if there is something around which a consensus can develop. As a result of the Prime Minister's visit to Kyiv, you are following the developments since then, where the Prime Minister subsequently has been in touch with President Putin in Russia, with President Biden here in the US. Our National Security Advisor visited Russia also recently. So there are a number of conversations that are going on. The attempt in all of these is to try and move towards some specifics. यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति एवं स्थिरता की बहाली के लिए भारत का समर्थन दोहराया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जेलेंस्की ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए वे भारत के साथ मिलकर सक्रियता से काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और G20 में शांति फॉर्मूला लागू करने और दूसरे शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी के विषयों पर जब भी अवसर मिला दोनों देशों के बीच ठोस चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर जोर दिया गया। पीएम ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात हुई। हमने भारत वियतनाम मित्रता की संपूर्ण श्रृंखला का जायजा लिया। हम कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में गति बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा तकनीक, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने कहा कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। The extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India,
and their plans to continue to grow India, grow in India and grow with India for themselves and for the rest of the world. And I think that's what's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs, of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। For the first time, the entire UN membership through the Pact of the Future that was adopted this morning has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway. कर्नाटक के मुद्दे पर इस वक्त प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं, आइए सीधे उन्हें सुनते हैं। रिजाइन इमीडिएटली एंड इन्वेस्टिगेशन शुड बिगिन एंड आल्सो आई डिमांड फॉर द इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, नथिंग मोर टू ऐड। सो मिस्टर डीके शिवकुमार हैज कम आउट एंड रियली डिफेंडेड सिद्धरामैया। ही सेड सिद्धरामैया विल कम क्लीन। इज मिस्टर डीके शिवकुमार यू नो नॉट, I mean, how do you think he's observing the situation? He comes clean means he has also in a way approved that there should be investigation. The Congress has also alleged that the governor is being biased. The governor, these people were alleging that governor is biased. As I initially itself made my remark, the governor was, they tried to threaten the governor. But now the court has given verdict. Whether do they have belief in the court or not, they should clarify that. इन्होंने क्या बोला था, गवर्नर है नॉट अप्लाइड द माइंड, गवर्नर को अथॉरिटी नहीं है, गवर्नर पार्टिजान मैनर में एक्ट किया है, ये सब देखते हुए पूरा हियरिंग करते हुए कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का भी कई इसमें जो पहले का रूलिंग वगैरह है, केस लॉज वगैरह है, ये सब उधर दिया गया है। ऑन दैट बेसिस ओनली हाई कोर्ट हैज एक्टेड। You think there'll be further problems for the Congress party if there's a constitutional crisis and the Chief Minister resigning? Because, you know, who wants to become the next Chief Minister? No, that is, I have made n number of times clear that BJP and state BJP and national BJP, we never want that the entire Congress government should be toppled. We do not have any of such intention. Let them choose their own leader and let any person from the Congress person can become the Chief Minister. We don't have any problem. They are saying that we are trying to destabilize the government. No, we are not going to intervene in that. We are not going to touch that. We are not interested to do that. What they tell is last time, aapko kya hua tha? Your number was 68. And then also you formed the government with the JDS. And your own MLA, they were not happy with the having joined with the JDS. Actually, mandate was given to us. We were 104, just less than by 8 MLAs. At that time, we had an moral authority to form the government. We formed, and this time people have given them in it. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आया है और किसी भी तरह के आरोपों को यहाँ पर खारिज किया कि जो भी कांग्रेस के अंतर्कलह उस वक्त चल रही है वो उनका अंदरूनी मामला है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिड डे प्राइम में खबरों का सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, जूस दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में अपशिष्ट मिलाना विभत्स, खान पान की शुद्धता सुनिश्चित हो, ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि खान पान के केंद्रों पर संचालकों प्रोप्राइटर के नाम डिस्प्ले करना अब अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की मिलावट अब बर्दाश्त नहीं होगी। खान पान के जो केंद्र हैं वहां पर जो संचालक हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, उनके नाम की सही जानकारी अब देनी होगी और वो ये अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, यहां पर कठोरतम कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी खान पान की वस्तुओं में अपशिष्ट मिलाना अब बहुत ही दंडनीय कार्रवाई में आएगा और इसके लिए कड़े निर्देश यहां पर लागू किए हैं। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, खान पान में मिलावट बेहद गंभीर विषय है और यहां पर बहुत साफ तौर पर कठोर निर्देश देने की बात सामने आई है मुख्यमंत्री की ओर से, और क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, ये आम जनों से जुड़ी हुई बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में साफ निर्देश दिया कि रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल, इनमें खान पान की चीज़ों की गहन जांच की जाए, सत्यापन किया जाए। साथ ही साथ जो और दिशा निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार नियमों में संशोधन किया जाए। ये जो जितने भी खान पान की चीज़ें हैं जहाँ पर ये वस्तुएँ मिलती हैं, वहाँ पर जो भी प्रोप्राइटर होगा, जो भी मैनेजर होगा, उसको अपने नेम प्लेट लगानी होगी, जाहिर करना होगा, और साथ साथ अगर ऐसी कोई गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो होटल में खाना बनाने वाले से तक से लेकर होटल के मालिक तक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा देश भर में कुछ ऐसी खबरें आई थी खान पान की चीज़ों में मिलावट की, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च स्तरीय बैठक की और उसके दौरान ही ये तमाम सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो खान पान परोसा जाएगा, वहाँ पर जो वेटर होते हैं उनको भी मास्क लगाना होगा। यानी कि जो आम आदमी जब बाहर खान पान के लिए जाता है, कुछ भी खाता पीता है, उसको शुद्ध उसकी थाली में परोसा जाए, जो खा रहा है उसकी शुद्धता सही रहे। इसके लिए जो है खाद्य विभाग को निर्देश दिया है कि इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएँ। आप स्वयं जाएँ वहाँ पर सत्यापन करें, चीज़ों का गहन जाँच करें, उनकी क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, कहीं अशुद्ध चीज़ें तो नहीं प्रयोग की जा रही हैं, या इन सब चीज़ों के लिए तमाम जो है टीमों को निर्देश दिया गया है विभाग की तरफ से कि वो जाएं और जमीन पे इसकी हकीकत करें, वहां पर सत्यापन करें। सारे मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। त्यौहार का मौसम बहुत ही जल्द आने वाला है, मिठाइयों की बिक्री, खान पान की बिक्री जब बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में किस तरह से जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा प्रशासन की ओर से कि मिलावट ना हो और ग्राहकों को सही जानकारी मिले? जी बिल्कुल, त्यौहारों का मौसम जैसा कि आपने बताया कि आने वाला है, काफ़ी मात्रा में इसमें खोए का प्रयोग होता है और आमतौर पे टीमें जाती हैं वहाँ पर चेक करती हैं और ऐसी तमाम सारी कार्रवाई की जो है जानकारी मिलती है। लेकिन इस बार मिठाइयों की दुकान के साथ साथ वो समस्त दुकानें जहाँ पर खान पान की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो जूस की दुकान हो, चाहे समोसे की दुकान हो, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, इन सभी जगहों पर इनके किचन पर नज़र होगी सरकार की, और वहाँ पर क्या कुछ परोसा जा रहा है उसका सत्यापन किया जाएगा गहन जांच के बाद, तब वो आम आदमी की थाली में परोसा जाएगा। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, कहीं भी कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से खान पान की चीज़ें निर्माण तो नहीं कर रहा है जिससे आम जन के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़े। आम आदमी के हित में ये कदम उठाए गए हैं, इसके लिए अगर नियमता कोई चीज़ें आती हैं तो उसके लिए संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। और ख़ास तौर से जो मालिक होगा, जो मैनेजर होगा, जो वहाँ पर वर्कर होंगे, उनको नाम पट्टिका अपनी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल अब ये नए निर्देशों के साथ धरातल पर ये उतरेगा और निश्चित रूप से लोगों को खाना शुद्ध मिले, जो भोजन कर रहे हैं, जो भी चीज़ उनको शुद्ध मिले, इसके लिए यहाँ पर सरकार तत्पर है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया है कि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आप जाएं वहाँ पर और पूरा गहन जांच कर सत्यापन करें। बिल्कुल, तो दुकान में सीसीटीवी, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी होगा। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है विकास, क्योंकि मिलावटी चीज़ें पकड़ी लगातार जाती हैं, खासकर ज़्यादा ये इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं जब त्यौहार का मौसम होता है, क्या कुछ कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है?
देखिए इसमें कार्रवाई जो भी सजा का प्रावधान होगा वो तो होगा ही होगा, जुर्माने का होगा। और ये एक और बड़ी चीज है कि जो संचालक है, जो प्रोपराइटर है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की बात की गई है। वहां पर ये भी कहा गया शुद्धता को बनाए रखने के लिए उसकी जो सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए आमतौर पर जैसा मैंने बताया कि मास्क लगाएंगे, हाथों में ग्लव्स पहनकर ही खाना परोसा जाएगा। ये तमाम सारी चीजें होती हैं कि जिनसे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, शुद्धता के साथ जो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ये कार्रवाई, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में खाद्य विभाग होता है, वहां पर बस उसकी टीम को करना होगा कि अभी तक वो जो मिठाई की दुकान पर त्योहारों के सीजन में जाती थी, ये रूटीन प्रक्रिया बना के अगर वो जांच कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सारे होटल, सारे जितने ढाबे हैं और सारे रेस्टोरेंट हैं, उनको एक सत्यापन उनका हो जाएगा, उसके बाद तो चीजें क्लियर ही रहेंगी। लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही गई है, तो वहां पर कोई भी अगर ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो वो रिकॉर्ड में कैद हो जाएंगे, उसके खिलाफ वो कार्रवाई में मददगार साबित होंगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो यहाँ पर मिलावट करने वालों की खैर नहीं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, कड़े निर्देश उन तमाम लोगों को जो मिलावटी खाना परोसने की फिराक में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो सही जानकारी मुहैया करानी होगी ग्राहकों को, और जो साफ सफाई है उसके भी कड़े मापदंडों का यहां पर पालन करना होगा। और आइए मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों के लिए राजौरी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और वाहनों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। तो जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाला जाएगा। ये दूसरे चरण के चुनाव हैं, तो आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए जो प्रचार है वो सोमवार शाम समाप्त हो गया। और इस कड़ी में अगर आपको बताएं किस तरह से विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश की जा रही है वो भी आपको दिखा दें, साथ ही किस तरह से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आगे बढ़ते हुए इस वक्त इस चुनाव पे आगे बढ़ते हुए काफ़ी लोकप्रिय चुनावों में ये साबित हो रही है। पहले चरण के चुनावों में जिस तरह से, पहले चरण के मतदान में जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान हुआ और जो जोश और उत्साह नज़र आया, उम्मीद यही की जा रही है कि कल का दिन भी बेहद खास होगा। तमाम तैयारियाँ पुख्ता तौर पर की गई हैं। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंज और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में कल मतदान होना है। हिंसक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार करके मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम जारी है। तो कल डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है ईवीएम्स की और मटेरियल की, और पोल पार्टीज तमाम हमारी यहाँ पहुँच चुकी हैं, रिजर्व हमारी भी वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। आई थिंक कि अभी थोड़ा सा 2-3 घंटे के बाद यहाँ से पोल पार्टीज रवाना हो जाएंगी। तो 143 पोलिंग स्टेशन हमारे जडीबल कंस्टिट्यूएंसी में, इट इज़ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी पूरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। तो आई थिंक 12 बजे के बाद हम उनको निकालेंगे यहाँ से, और हमारी जो फॉर्मेशन रहेगी वो सेक्टर वाइज रहेगी। उसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हैं, सेक्टर अफसर भी पुलिस के रहेंगे साथ, सीबीपीएफ के भी, उसमें जोनल मजिस्ट्रेट भी हमारे और जोनल अफसर भी रहेंगे, और सेक्टर वाइज फॉर्मेशन की शक्ल में यहाँ से निकलेंगे, अपने अपने पोलिंग स्टेशन को, पोलिंग पार्टीज को वहाँ पर पहुँचा देंगे। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़े हुए आज तकरीबन 34 साल हो गए हैं। पलायन की वो शाम 19 जनवरी 1990 की थी, लेकिन 1989 के आखिरी दिनों में ही घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। तस्वीरों के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां कर रहे हैं जम्मू में मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़े हुए तकरीबन 34 साल का समय हो गया है।
वो शाम थी 19 जनवरी 1990 और यही वो दिन था 1990 का जब वहाँ से घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन प्रारंभ हो गया और एक बड़ी संख्या में पलायन होने लगा। मैं इस समय जम्मू के नगरोटा क्षेत्र के जगती कॉलोनी में हूँ जिनके साथ दर्दपूर्ण उनकी हत्या के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी कुछ तस्वीरें हैं एक म्यूजियम में रखी गई हैं। और सबसे पहले देखिए ये पहला इंसिडेंट था जो बड़े लेवल पे आया था 14 सितंबर 1989 को जब पंडित टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ उस दौर में श्रीनगर में परिवार के साथ 8 लोगों के साथ पलायन करने वाली संतोष जी हैं। आपको अगर मैं समझना चाहूँ तो उस दौर की वो तस्वीर याद है, वो क्या मंजर था घाटी का? जब हमने देखा हम सुबह उठते थे दिन भर जुलूस वलूस निकलते थे, रैलियाँ निकलती थी, जो हाई पोस्ट वाले थे जिन्होंने कुछ कभी उनके साथ रंजिश थी कुछ था उनके ही वो टारगेट करते थे। वो घटना अगर आप मुझे बता पाए कि इनकी किस तरह से हत्या की गई? जब गार से निकल गए तो गली में पहुंच गए तो वहां से 3-4 लोग थे, उन्होंने गोली से इनको शूट किया। ये है लस्सा कौल जो कश्मीर दूरदर्शन में डायरेक्टर थे। दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रमों के जरिए दिखाया, उससे आतंकी खासे नाराज हो गए और इस्लामिक आतंकियों ने लस्सा कौल को 13 फरवरी 1990 को मौत के घाट उतार दिया। बहुत दर्दनाक कहानी है ये। 19 अप्रैल 1990 सरला जी जो है 19 साल की सरला जी की उस समय मौत के घाट उतार दिया गया था। वो एक नर्स थी पेशे से और सेवा भाव से काम कर रही थी। ये गई थी वहाँ अपने घर सामान लेने के लिए और वहाँ पे इसको कोई काम था, पता नहीं किसको पता लग गया तो इसको देखा, फिर बहला फुसला कर इसको ले गए और आरी से इनको काटा। अनिल भट्ट जी हमारे साथ हैं जो उस दौर में श्रीनगर में रहते थे। ये उस दौर में 8 लोगों के परिवार के साथ माइग्रेट हुए थे। जब आप उस दहशत वाले कश्मीर से माइग्रेट होते जिस समय कट्टरता अपने चरम पे थी, आप विद्यार्थी थे, आपको उस पूरी उस दौर की तस्वीर किस तरह से आप याद करते? डर का माहौल था, इसीलिए हम तो पेपर देने भी नहीं गए हैं। जैसे मेरे भैया को एक बार ढूंढने आए थे, हम तो बाहर निकलने सिटी में थे, बाहर निकलने से डर लगता था। 34 साल का एक बड़ा वक्त बीत जाता है लेकिन दर्द की कहानी आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देती है और एक उम्मीद जगाती है कि वो जल्द अपने वतन को वापस जाएंगे। जम्मू के जगती कैंप से मेरे कैमरा सहयोगी संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज जम्मू। उस वक्त का दर्द आज भी इन लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है और कोशिश है जम्मू कश्मीर की कि उस दर्द से आगे बढ़ते हुए एक नई इबारत लिखे। तो विधानसभा चुनाव में इस वक्त क्या कुछ हलचल है आइए जानते हैं। जम्मू से धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे पहले चरण में जो मतदान हुआ, जो तस्वीरें हमने देखी, जो कतारें देखी, उम्मीद यही की जा रही है कि वो जोश बरकरार रहेगा। कल दूसरे चरण के मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए अगर आप दूसरे चरण, धीरज आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, राजीव चंद्रशेखर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे वो सुन लेते हैं पहले। The 2023 elections where Rahul Gandhi's Congress got the opportunity to serve in government on the back of many, many promises. And it was their first round of this politics of fake promises. You are aware that the Karnataka's economy is in deep trouble. They have themselves, the government themselves in Karnataka, the Congress government in Karnataka under Siddaramaiah has repeatedly said that they have no money for development. The law and order situation in Karnataka is an all-time low. And so many of these so-called impact of Congress governance has been played out for several months now, and you are all aware of this. People of Karnataka and people of India are also aware. But today I want to draw your attention to the main reason that Congress governments
under Rahul Gandhi come to government? What is their main objective? Why do they make all these fake promises? Why are they repeatedly embarrassed and exposed for non-delivery of these promises? And why do they continue to insist to make these fake promises in other state government elections and state elections to get to government? And the answer is corruption. Today, the Karnataka High Court has rejected the plea of the sitting Chief Minister of Karnataka, Sri Siddaramaiah, to stay the investigation order issued by the Honorable Governor of Karnataka against Siddaramaiah ji and his family's involvement in the Muda scam, Muda land scam. It was when the government governor sanctioned the prosecution, there was a lot of flurry of activity, and then Siddaramaiah ji went to court, tried to get it stayed. So now the reality of that has come to be presented in front of the people of Karnataka and the people of India, which is that the High Court has effectively validated the actions of the Honorable Governor. This leads to, of course, many questions, but the primary question is about corruption. And over the last year and a half that Mr. Siddaramaiah has been Chief Minister, there have been many, many instances of public monies being looted. You are also aware of the Valmiki Scheduled Tribe Development Corporation and how monies were looted from there. How the AICC President Mallikarjun Kharge's family has awarded himself or awarded itself land. So Siddaramaiah ji today is only continuing a ritual tradition of the Congress party under Rahul Gandhi of coming into governance in the name of the poor, making false promises, fake promises, but always at the end of the day enriching themselves and their families. Today the Bharatiya Janata Party demands that this Chief Minister Siddaramaiah ji immediately tender his resignation, make way for a free and independent investigation into these allegations of corruption, the shameful corruption. And we also go on to say and make this with all responsibility that there is not one Congress leader in Karnataka today that is not involved in some land scam or the other. The Muda case is a very, very shameful example of how a sitting chief minister has misused his office to enrich himself and his family. And the High Court judgment today paves the way for an investigation into this alleged crime, alleged corruption scam. And therefore, we call upon Siddaramaiah to resign forthwith and allow for a fair, independent investigation into these allegations of corruption. Thank you. Just take a minute. तो कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर तीखे सवाल उठाते हुए भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर, और उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के राज्यपाल के फैसले को उन्होंने सही ठहराया. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, एक सिटिंग सीएम को इस वक्त इन तमाम आरोपों के बाद, इस जांच की शुरुआत के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए. तो तीखे सवाल यहां पर कर्नाटक की भ्रष्टाचार पर उठाते हुए. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ. प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया. नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर हम बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता श्रीनगर से रमा त्यागी जुड़ रही हैं, साथ ही धीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उत्साह आप देख रहे हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर, भी काफी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हम दूसरे चरण के चुनाव की बात करें तो जो 25 सितंबर को मतदान है और 25 सितंबर को 26 सीट के लिए जो चुनाव की तैयारी की जा रही है, और इन 26 सीटों में अगर हम जम्मू संभाग की बात कर लेते हैं तो जम्मू संभाग की 11 सीटें हैं जो 3 जिलों के अंदर आती है, जिसमें पुंछ, राजौरी और रियासी जिला आता है। और जहाँ तक मतदान की तैयारियों की बात की जाए तो पुंछ और जो राजौरी का जो इलाका रहा है, उस इलाके के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ जो जांच प्रक्रिया है, जो गाड़ियाँ जो उधर से क्रॉस कर रही है उसकी भी जांच हो रही है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से तय किया जाए। और जहाँ तक जो चुनाव आयोग की तैयारियों का सवाल है या जो जिला प्रशासन का सवाल है, जिला प्रशासन की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण तैयारी की गई है, और जो इतने भी मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों पर जो कंट्रोल रूम के जरिए वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है, ताकि जो मतदान जो केंद्र हैं वहाँ हर एक मतदान केंद्र पर पल पल की नज़र रखी जाए, वहाँ से गुजरने वाले लोगों पर नज़र रखी जाए। और जिस तरीके से आज वहाँ जो जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो बक्से लेकर, ईवीएम मशीन लेकर, वीवीपैट लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं, तो उसकी भी निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए, वेबकास्टिंग के जरिए हो रही है। सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि लोग निर्भीक होकर मतदान में हिस्सा ले सकें। और इसके अलावा जो पुंछ और राजौरी के अलावा जो एक जो क्षेत्र है वो रियासी का जो लोकसभा क्षेत्र आता है, जिसके अधीन 3 विधानसभा है, तो ये रियासी के क्षेत्र में चाहे माता वैष्णो देवी मंदिर का इलाका हो, गुलाबगढ़ का इलाका हो, या रियासी विधानसभा की सीटें, इन 3 सीटों पर भी मतदान की तैयारी पूरी करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इन विधानसभा क्षेत्रों की अगर दूसरे चरण की बात करें, अगर हम जम्मू संभाग में, तो इसमें 6 सीटें ऐसी हैं जो कि आरक्षित सीटें हैं, जो ST के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो इस पर भी मतदान कराने की पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। बिल्कुल, तो काफी पुख्ता तैयारियां यहां पर सुरक्षा की ओर से भी और चुनाव आयोग की ओर से भी। श्रीनगर से रमा त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल रमा, काफी उल्लेखनीय भूमिका यहां पर चुनाव आयोग की, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए यहां पर जो चुनाव कर्मी हैं वो पहुंच रहे हैं दूरगामी दूर दराज के इलाकों तक भी, क्योंकि हर एक वोट है बेहद ज़रूरी। पहले चरण में वो उत्साह साफ तौर पर नज़र आया, और दूसरे चरण को लेकर भी कुछ ऐसी ही तैयारी है। बिल्कुल, दूसरे चरण को लेकर भी ऐसी ही तैयारी है। यहाँ की अगर मैं बात बताऊँ तो इन 26 सीटों में से 15 सीटें जो हैं वो कश्मीर संभाग की आती हैं, और घाटी में जो है इसकी पूरी तैयारी की गई है, और उसको लेकर लगातार जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है, और तमाम मतदाता जो हैं वो घरों से बाहर निकलें। और आपको मैं बता दूं कि 3 जिलों में यहाँ पर मतदान होना है, श्रीनगर में होना है, गांधरबल में होना है, बड़गाम में होना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 8 सीटें हैं वो श्रीनगर की ही हैं। श्रीनगर में काफ़ी, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस वक्त, ये हब्बा गदल का पुल है और कभी बेहद संवेदनशील हुआ करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर जिस तरह से रौनक दिखाई दे रही है लोगों के बीच में भी और सियासी दलों के बीच में भी, इसी पुल से होकर बहुत सारे जो जिसे कह सकते हैं कि कैंपेनिंग वाले जुलूस जो हैं वो निकल कर गए हैं, तो अपने आप में देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की भी तैयारी है, राजनीतिक दलों की भी तैयारी है, और जो मतदाता है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर का जो पूरा एरिया है और इसमें जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर पहले मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहता था और एक बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, मतदाता को घर से बाहर निकाल के लाना, और बहुत सारे संवेदनशील क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी संख्या में जो है इस एरिया के लोग भी निकल कर आए, तो अब उम्मीदें जो है बहुत बढ़ जाती हैं कि यहाँ से भी मतदाता निकल कर आएगा। अवेयरनेस कैंपेन जो है, सघन जागरूकता अभियान जिसे कहा जा सकता है, वो चुनाव आयोग की तरह
की तरफ से चलाया गया, घर घर में, गली गली में जाकर और हर कोने में जाकर, चाहे वो दुर्गम इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, और तमाम लोगों को तमाम जो तरीके हैं उनसे जागरूक किया गया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मतदाता जो है निकलकर बाहर आएगा और लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल होगा। और अगर लड़ाई की बात करें तो इन सभी 15 सीटों पर जो लड़ाई है वो बहुकोणीय है, बेहद दिलचस्प मुकाबले हैं, दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर लगी हुई है, तो बेहद रोचक होगा यहाँ पर देखना। तो कई दिग्गजों की किस्मत दाव पर लगी है और जनता जनार्दन है जो वो अपना कल फैसला सुनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, आपसे आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे धीरज और रमा। और आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा है। मायावती ने राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर अपनी नीति स्पष्ट नहीं करने का आरोप लगाया है। बीएसपी सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की एससी एसटी ओबीसी आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली और छल कपट की है। अपने देश में वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन करें और इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं और विदेश में जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। बीएसपी नेता ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस के दोहरे मापदंड से लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। मायावती ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी के संघर्ष से एससी एसटी के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया जो अभी तक लंबित है। तो मायावती के निशाने पर कांग्रेस। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज भी रांची में तैयारियों का जायजा ले रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चल रही इस बैठक में राज्य के सीईओ के रवि कुमार, नोडल पुलिस अधिकारी एवी होमकर और विभिन्न जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आयोग ने सभी से चुनाव तैयारियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए हैं। कल आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, सीईओ की टीम और इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ भी बैठक की थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस ने इंटरनेशनल जाली नोटों का कारोबार करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 10 शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड सपा पार्टी से जुड़ा एक नेता था। पुलिस ने सपा नेता और उसके गैंग के सदस्यों के पास से 5,62,000 के जाली नोटों के साथ कई अन्य सामान बरामद किए हैं। ये बदमाश यूपी बिहार सीमाई इलाकों में जाली भारतीय नोट का कारोबार करते थे। तो गिरोह के तार नेपाल से जुड़े हुए, जाली नोटों का कारोबार करते हुए यहां पर शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी बादशाह बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया। बता दें कि यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और जिला पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदमाश की पहचान बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ क्षेत्र के निवासी मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू के रूप में हुई है। सोनू उर्फ जाहिद जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है
और उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ था। जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहाँ से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहाँ पहुँचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए हैं। और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले CSC पर ले जाया गया। वहाँ पर इससे इसको फिर रेफ़र किया गया गंभीर घायल होने के कारण। चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है, और जिसमें इस मुठभेड़ के उपरांत इसकी मृत्यु उसमें हुई है। तो अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। गाजीपुर में इनामी बदमाश हुआ ढेर। रेलवे ट्रैक पर घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस साजिश के तहत कल रात नई दिल्ली से गया की ओर जा रही महाबोधि एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ी, उसके बाद कुछ आगे जाने पर ट्रेन पर बड़ी संख्या में अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, और ये पथराव बड़ी तेजी के साथ हुआ। यात्री एकाएक घबरा गए और ट्रेन में चीख पुकार मच गई। ट्रेन को रोका गया। RPF के जवानों ने अराजक तत्वों को सर्च करने की कोशिश भी की। उसके बाद प्रयागराज जंक्शन पर RPF को सूचना दी गई। सर्च ऑपरेशन के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। हालांकि उत्तर मध्य रेलवे के CPRO ने बताया कि कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ और RPF ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ट्रेन नंबर 12397 महाबोधि एक्सप्रेस, जो कि इधर मुगलसराय की ओर जा रही थी, इसमें मिर्जापुर स्टेशन के जब अप्रोच कर रही थी, तो गार्ड ने ये रिपोर्ट किया कि एक पत्थर गिट्टी कुछ टकराई है उससे, और तुरंत ही कंट्रोल को और RPF को सूचित किया गया। RPF मौके पर पहुंची, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर संदेह किया जा सके। तो इसमें फिर उसने अज्ञात के विरुद्ध जो संबंधित धाराएं हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और ख़ास बात यह रही कि इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो है किसी भी तरह की कोई चोट या कोई घायल या कोई हताहत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है और इसके लिए कानून लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये कानून सदन की JPC कमेटी में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे से 96 बीघा जमीन मुक्त करवाई गई है। कौशाम्बी के DM मधुसूदन अहुलगी ने बताया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर की गई थी। जब विवाद कोर्ट में चला तो सामने आया कि ये जमीन ग्राम सभा की थी। इस मामले पर शासकीय अधिवक्ता राजस्व शिवमूर्ति द्विवेदी ने बताया कि ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। उसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा माफीनामा में ये जमीन उन्हें मिली थी, ये ग्राम सभा की ही जमीन थी। कोर्ट में मामला चलने के बाद ये एक्शन लिया गया है। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब DDC न्यायालय में वाद चल रहा था, उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी, और उस पर ये पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था, और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब DDC न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागजों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं, विशेष तौर पर जो न्याय विधि से संबंधित है उस पर सुझाव दिए गए। 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं, और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये मानक कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। जहाँ तक ख्वाजा कड़क की वक्फ संपत्ति का मामला है, वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिला अधिकारी न्यायिक द्वारा 96 बीघे जमीन राज्य सरकार में वेस्ट किए हैं, और ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। इसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफीनामा के तहत हमको ये जमीन मिली थी। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के शव को
मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए ठाणे के कलवा सिविक अस्पताल से मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार रात कहा कि शिंदे की मौत के कारणों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपी अक्षय शिंदे के परिवार के सदस्यों ने पुलिस के इस दावे को चुनौती दी है कि उसने पहले एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। शिंदे के परिजनों ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले में कबूलनामे के लिए उस पर दबाव डाला। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेप के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल जैसी पार्टियां एक बलात्कारी के लिए मातम बना रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी बलात्कारी बचाव आलियांस चला रही है। महाराष्ट्र में जो बदलापुर में दो छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला और अपनी ही पत्नी, पूर्व पत्नी के साथ रेप करने वाला अक्षय शिंदे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने तब सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की जब उसने, बताया जाता है, उनकी गन लेकर उन पर फायरिंग करने की कोशिश की। पर ये क्या हो चुका है, एक तरफ महाराष्ट्र और बदलापुर राहत की सांस ले रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां मातम बना रही है एक बलात्कारी के लिए। ये बलात्कारी बचाओ अलायंस है क्या? कोलकाता में आरजीकर मामले में बलात्कारी को बचाओ, कन्नौज में नवाब यादव को बचाओ जबकि डीएनए टेस्ट आ चुका है, अयोध्या में मोहित खान को बचाओ। ये कांग्रेस और इंडी अलायंस, खास करके सागरिका घोष जैसे नेताओं के ट्वीट देखिए, वो बलात्कारी के पक्ष से बोलने लग गए। और इसी के साथ मिड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।